यूजुअली इस समय पर दुनिया में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले दो शब्द होते गुड इवनिंग, लेकिन आज की तारीख में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाले दो शब्द एट एनी गिवन पॉइंट इन टाइम, कोरोना वायरस। कैसा लगता है? डर, नर्वसनेस, चिंता। एक्चुअली कहूँ तो चिंता इसलिए होती है क्योंकि अब ये कोरोना वायरस हमें हमारे माता पिता की उम्र इससे वाकिफ करने लगा है। हमें पता है कि सबसे ज़्यादा अगर थ्रेटफुल सिचुएशन है तो उन लोगों की जो कि या तो 60 साल के करीब हैं या 60 क्रॉस कर चुके हैं, हमारे बुजुर्ग, हमारे सीनियर सिटीजन्स जो हमारे साथ ही रहते हैं। मेरे अंकल कल ही के दिन में बाल कटवाने गए थे, मुझे जैसे ही पता चला मैंने उनके सीधा फ़ोन करके कहा, मैंने कहा अंकल आपको पता है कि मतलब सैलून जो है वो कितनी अनहाइजीनिक जगह है, ये सारा काम जो है वो एक महीने टल भी सकता है, आप एक महीने बाद भी बाल कटवाने जा ही सकते थे, अभी क्यों? मेरी माँ जो कि हमेशा खुद बैंक जाती है, बैंकिंग काम खुद ख़त्म करती हैं, बट मुझे बहुत डिसकम्फर्ट फील होता है जब वो कहती हैं कि मुझे बैंक जाना है। अब है तो उनके लिए एक नॉर्मल सा काम, लेकिन अब मैं बिल्कुल राज़ी नहीं हूँ, मैं उनसे झगड़ पड़ती हूँ। मैंने उनसे पूछा कि आपको नहीं पता कि सोशल डिस्टेंसिंग क्या होता है, Haven't you heard the term? और ये मैंने देखा कि ये सिर्फ मेरे साथ ही नहीं है, ये मेरे जैसे उन सारे लोगों की परिस्थिति है जिनके घर में सीनियर सिटीजन्स हैं या बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, एंड वी रियली केयर फॉर देम। कोरोना जो है इसका असर हर किसी पर हो ये ज़रूरी नहीं है, मगर हम उसके कैरियर तो हो ही सकते हैं। अगर आपकी उम्र 50 से कम है तो इससे जान जाने के चांसेस जो स्टडी बता रही है 1%, लेकिन अगर उम्र 50 से ज़्यादा है तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। इनफैक्ट अगर क्रोनिक हेल्थ कंडीशंस हो जैसे कि डायबिटीज़ या हाई ब्लड प्रेशर या हार्ट डिसीज़ तो ये परसेंटेज और बड़ा हो जाएगा। मैंने देखा है कि आजकल फ्लाइट टिकट्स बहुत सस्ती हो रही है तो काफ़ी सारे यंगस्टर्स ये रिस्क ले रहे हैं और वो एक से दूसरी जगह पर उड़ के जा रहे हैं। लेकिन एक स्टडी ने ये भी रिवील किया है कि ऑलमोस्ट 11 दिन के बाद भी कोरोना के सिम्टम्स इंसान में नज़र आना शुरू हुए हैं, मतलब 11 दिन तक वो सिम्टम्स शायद दिखाई भी ना दें। तो हमें क्या करना है? वी नीड टू प्रिवेंट बीइंग द कैरियर्स ऑफ इट। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी उन सारे लोगों को जो कि वर्क फ्रॉम होम इस कल्चर को आने वाले 2 हफ्तों के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, अपनी लाइफ में इंस्टॉल कर चुके हैं। मैं थैंक यू कहना चाहूंगी उन सारे लोगों को जो कि परदेश में रहते हैं लेकिन फिर भी फ्लाइट लेकर अपने घर ट्रैवल करने की फिलहाल ये डिफिकल्ट सिचुएशन खड़ी नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे डोंट वॉन्ट टू बी कैरियर्स, दे डोंट वॉन्ट टू कैरी द वायरस टू द एल्डरली पीपल that they have back home। मुझे पता है कि बहुत सारे लोग ऐसा महसूस करते होंगे कि कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, मैं घर पे पक रहा हूँ, बोर हो गया हूँ, रेस्टोरेंट नहीं जा सकता, बट दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आई थिंक फिर एक बार दोहराने की जरूरत है वो बर्निंग क्वेश्चन जिसका जवाब हम रोज अपने आप से पूछते हैं, क्या मुझे तो कोरोना वायरस नहीं है? तो लेट मी अगेन स्टेट द फॉलोइंग, कोरोना यानी फ्लू या सर्दी जैसा ही होता है, जैसी ही परिस्थिति उत्पन्न होती है, लेकिन फेफड़ों में सबसे पहले इन्फेक्शन, उसके बाद तेज बुखार और सूखी खांसी, सांस लेने में तकलीफ भी हो सकती है और एट एन एवरेज 5 दिनों में ये सिम्टम्स दिखना शुरू होते हैं। हम क्या कर सकते हैं? हाथ धोते रहें, और वो भी 20 सेकेंड हमें हाथों को धोना है, नॉट लाइक वॉट यू यूज टू डू बिफोर। टिश्यू इसका इस्तेमाल करें और उसके बाद उस टिश्यू को फेंक दें और उसके तुरंत बाद अपने हाथ जाके धोने हैं और किसी बीमार इंसान से दूरी बनाए रखना है। आई थिंक वी डू ऑल ऑफ दिस वी आर सेफ। आई ओनली से बिकॉज आई केयर। टेक केयर।